हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं पारा मेडिकल, पारा बिहार पॉलिटेक्निक और बीएससी नर्सिंग के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे आपको परमाणु संरचना, देख सकते हैं परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंधन से संबंधित इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूँ आपको, यह कार्बनिक रसायन एवं क्रियात्मक समूह इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी कवर कर लिया गया है। वो वीडियो अपलोड हो चुका है, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से मैं बायो का भी ला चुका हूँ, चार चैप्टर से इम्पोर्टेंट जिसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो डल चुका है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं पैरामेडिकल का जितना भी क्वेश्चन दिया हूँ उसका प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिया हूँ, उसमें जाइए, डायरेक्ट पहुँच जाइएगा आप प्लेलिस्ट में पैरामेडिकल के। वहाँ जितने भी डाला गया है पैरामेडिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, लगभग 50-60 वीडियो होगा टोटल, देख जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम अब उसका डेट तुरंत ही जारी होगा, तो तैयारी अपना मजबूत कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है नाभिक का आकार होता है, तो कैसा होता है नाभिक का आकार, यही आपको बताना है। तो कैसा होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10^-15। नाभिक का आकार 10^-15 मीटर का होता है नाभिक का आकार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दो नंबर क्या है? तत्व, ये देख रहे हैं आप, नीचे लिखा जाता है क्या, एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वही आपका प्रोटॉन की संख्या होता है, तो 79 आपका प्रोटॉन के संख्या हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होता है आपका ए बराबर पी प्लस एन होता है, आपका ए दे दिया है एटॉमिक नंबर 231, इसी तरह पी आपको दे दिया है 79, इधर ले आकर घटाइएगा तो आपका निकल जाएगा एन का मान, तो आपका आएगा कितना 182 आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होता है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं आप, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो भारी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर एक होता है, ठीक है। भारी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या एक होता है, ये सोच पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो एक होता है। चलिए नेक्स्ट चार नंबर क्या है? देखिए, ऐसे नॉर्मली हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, लेकिन जब भारी हाइड्रोजन पूछेगा तो उसका एगो होता है न्यूट्रॉन, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए चार नंबर, सबसे हल्के नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है लगभग कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/1800। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है, कहीं कहीं आपको मिलेगा 1836, ठीक है, ओरिजिनल है आपका 1/1836 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये क्या है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1836वां भाग का भार जो होगा वह इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होगा, यहाँ पर 1800 ही सिर्फ दिया है ऑप्शन में, ये भी चलेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, लेकिन होता क्या है 1/1836 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांच नंबर, एनोड किरणों की प्रकृति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है एनोड की प्रकृति, तो वो करती है ऑप्शन नंबर ए, अपशिष्ट गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए छः नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए, किसी तत्व के द्रव्यमान निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सी तकनीकी उपयोगी है, अब कौन सा तकनीक इसमें के उपयोगी है आपको द्रव्यमान तत्व के द्रव्यमान निर्धारण करने के लिए, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पढ़िए ध्यान से, एक विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित परमाणुओं का त्वरण और परिणामी रूप से एक परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उनका विक्षेप, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विसंयोजी धातु M2+ आपको देख रहे हैं, 2+ मतलब दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तो इसका परमाणु भार आपको दे दिया है 56, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है,
यह बात आपसे पूछ रहा है। देखिए, यह सिर्फ इलेक्ट्रॉन गया है तो उसके उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके न्यूट्रॉनों की संख्या में। तो इसको आप देखिएगा तो होगा कि आपका ऑप्शन नंबर ए 30 होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या 30 कैसे होगा, ये देखिए, ये जोड़िएगा टोटल एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ आपका, 10 और 14 24 हुआ हुआ ना, दो को इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो वो जोड़ लीजिएगा तो इसका ऐसा हो जाएगा 56। ठीक है, भार दे दिया है आपका, कितना दिया है भार, भार दे दिया है आपका 56 और एटॉमिक नंबर 26। तो आप 56 में से 26 घटा लीजिए, कितना आएगा आपका, 30 आएगा। यही हो गया आपका न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि टोटल ही मास हो गया और जितना एटॉमिक नंबर होता है वही आपका उतना, जितना किसी भी तत्व का जितने प्रोटॉन की संख्या होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर इसका 26 हो गया, हुआ ना, और 26 घटा लीजिएगा 56 में से, आपका 30 हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, प्रोटोन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रोटोन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोन आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल 55 क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए केयरफुली और वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देखिएगा, हमेशा के लिए आपका याद हो जाएगा, इस चैप्टर से पूरा क्वेश्चन ध्यान में आ जाएगा आपको। चलिए 9 नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एवं अल्फा कण के लिए आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात का बढ़ता हुआ क्रम है। तो क्या है बढ़ता हुआ क्रम, यही आपको देखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप इसे देख सकते हैं, एन होगा, एन क्या है आपका, एन आपका यही द्रव्यमान के अनुपात होगा, एन एन बराबर ई बाई एम होता है, सॉरी एन का न्यूट्रॉन होगा, सॉरी सॉरी एन न्यूट्रॉन हुआ, उसके बाद अल्फा होगा, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ। और यह आप लोगों का परिवार 1000 के तुरंत पहुँचने वाला ही है, तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी करिए ताकि जल्द से जल्द पहुँचे। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख कर छोड़ दे रहे हैं, लाइक किया करिए, उससे मेरा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, लाइक ही आप लोग का मेरा एक फ्यूल का काम करेगा, और मुझे फ्यूल, कोई भी गाड़ी चलने के लिए फ्यूल ज़रूरी है, ठीक उसी तरह लाइक ज़रूरी है, तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए 10 नंबर देखिए, निम्न अभिक्रिया न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है, कौन सा न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है यही आपको बताना है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है। चलिए 11 नंबर, निम्न में से कौन सा एक्स किरणों का गुण नहीं है। तब एक्स किरण का गुण कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु के कक्ष से 1s इलेक्ट्रॉन के संक्रमण का कारण है, क्या है संक्रमण का कारण, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण करता है 1s इलेक्ट्रॉन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही, तो इस बात को ध्यान से रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर आंसर बताऊँगा, क्योंकि अगर डिटेल करूँगा तो लंबा हो जाएगा और इस पर करना संभव नहीं है। तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, V3 = V2 + V1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के ग्राफ के संबंध में निम्न में से सही है। अब कौन सा प्रकाश, देखिए फिजिक्स में इस तरह का ज़्यादातर मिलता है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में भी मिला है, तो बोलिए प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के ग्राफ से संबंधित कौन सा सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ये दोनों आपको प्रकाश इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। चलिए 15 नंबर क्या है, परमाणु का तरंग यांत्रिक मॉडल आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से तीनों पर आपको यांत्रिक तरंग यांत्रिक मॉडल पर आधारित है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण के लिए क्वांटम संख्या +1/2 -1/2 प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है आपका, ऑप्शन नंबर 16 का
डी क्वांटम यांत्रिक चक्रण की दो अवस्थाओं को जो अनुरूप नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्वांटम सिद्धांत को ठीक से पढ़ लीजिएगा तब जल्दी समझ पाइएगा। क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय उचित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह उचित नहीं है, ये गलत लिखा है, बाकी तीन को सही लिखा है क्वांटम से संबंधित बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या है। क्वांटम संख्याओं एन तथा एल द्वारा पहचाने गए चार इलेक्ट्रॉन निम्न प्रकार है, अब कौन सा है उनका प्रकार, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी ए, क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, वो आपको अरेंज करना है बढ़ते घटते क्रम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वांटम संख्याओं के निम्न समूहों में से कौन सा समूह एक परमाणुओं की सर्वाधिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह सर्वाधिक आपको प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं थोड़ा तेज़ी में खींचूंगा, गर्मी बहुत हो रहा है तो पंखा बंद है, बहुत तेज गर्मी हो रहा है, मैं तेज़ी में खींचूंगा। चलिए परमाणु क्रमांक 7, 24, 34 वाले परमाणुओं के चक्रणों की कुल संख्या क्रम होगा, अब कौन सा क्रम होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ±3/2 ±3 मतलब ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। चलिए 21 नंबर, निम्न में से 21 कक्षक चित्र के लिए आप बाहू का सिद्धांत असत्य है, ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था तो कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है यही आपको बताना है। ये क्या बताए थे कि पहले हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद फिर शुरू से एक एक पहले सब कक्षा में भरेगा, फिर शुरू से आएगा भरते हुए सब ऑर्बिट में, ठीक है, तो कौन सा ऐसा काम नहीं कर रहा है, तो वो होगा आपका 21 का बी, ठीक है, 21 का बी इस तरह से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2s 2p, ये आपका दूसरा सब ऑर्बिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर, यदि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, 1 इतना तो संभव ही नहीं है, देख सकते हैं आप 1s7, इस में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 लिखा है, फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसकी ऊर्जा मूल अवस्था के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस रूप में है इससे कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक निकट होते हैं, परंतु फिर भी 1s इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह झूठलाता है, क्योंकि ये गलत चीज़ है, क्योंकि s में तो दो इलेक्ट्रॉन होता है, अभी 7 बोल रहा है, तो यह कौन सा नियम से आपको बोल रहा है, तो ये होगा आपका पाउलिंग का अपवर्जन नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप देख लीजिए, अब है कि न इतना का निर्धारण है, तब किसके नियम के अनुसार, तो वो हैगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हुंड्स के नियम के अनुसार। चलिए 24 नंबर, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n+l नियम का पालन नहीं करता, तो कौन नहीं करता, तो वो नहीं करता आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम का पालन नहीं कर रहा है ये, क्योंकि देखिए डी में आपको और भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन ये चल गया आपको 4 में चला गया है, इसलिए वो फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन पढ़िए पहले 25 का, सामान्य ऊर्जा के कक्षकों के समूह को भरने में किसी विशेष कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ा रखने की अपेक्षा है, रिक्त कक्ष में इलेक्ट्रॉन रखना ऊर्जा के आधार पर श्रेष्ठ है, तो कौन से नियम है ये दोनों फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, यही आपको देखकर कहना है, तो आपका 25 का बी, हुंड्स का नियम, अब हुंड्स का नियम पढ़े होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा। चलिए 26 नंबर क्या है, MO परमाणु तथा AG परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं, ये अंतिम कक्षा का दिया है, सिर्फ इसका कारण यह है कि अर्धगुण तथा पूर्ण भरी हुई कक्षाएँ, तो क्या होगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, अधिक विनिमय के कारण अस्थायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या है, ठोसों में पट संरचना की अस्पष्टता का कारण है, तो कौन सा कारण है आपका ऑप्शन नंबर डी,
पावली अपवर्जन नियम, पावली अपवर्जन नियम। चलिए 28 नंबर क्या है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को निरूपित करता है। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है, अब किस तत्व को यह बता रहा है ये आपको बताना है। तो ये होगा बता रहा है आपका फ्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लीजिए, देखिए 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6, 2, 8, 1, 9। फ्लोरीन का 9 होता है, अब 9 होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, तो ये फ्लोरीन का आपको यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा है। चलिए 29 नंबर क्या है, 80 परमाणु वाले एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। अब देख सकते हैं किस तरह से इसकी परमाणु संख्या एवं नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो कैसे होगी, तो होगी आपके ऑप्शन नंबर ए है, तो टिक मार दिया गया। चलिए 35 और 45, तो क्या है 35 आपका परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 45, और मास पूछ देगा तो आप जोड़ दीजिए आपका निकल जाएगा। 35 45 कितना हो जाएगा 0, 8, 80 हो जाएगा, 80 दिया है परमाणु भार, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि परमाणु भार बराबर क्या होगा, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, वही मिलकर टोटल हो जाएगा एटॉमिक मास। चलिए 29 नंबर क्या है, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर के बारे में ये जो किया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में ये गलत लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी ऊर्जा सर्वाधिक है। अब बताइए कौन किसका ऊर्जा सर्वाधिक होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बी वाला का ज़्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं इन सब में 1 ही है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्या है, कुछ कक्षों के चित्रण निम्न प्रकार है। अब कौन सा आपको है ये आपको देखकर बताने हैं, तो वो है आपके 32 का ऑप्शन नंबर सी, तरंग फलन के चिन्ह को। देखिए इस तरह से तरंग फलन तरंग का पहचान होता है, या माइनस प्लस दिखा रहा है, देखिए ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, आई 1s s का है 1s, अब यह 2p में दो गो कक्षा जैसा है, 1s में एगो गोला जैसा है, तो यह तरंग फलन के चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है। 33 नंबर, निम्न में से सत्य कथन है, कौन सा सत्य कथन है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्न में से कौन सा कथन 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा वर्णित होता है, जिनकी चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में भी समान ऊर्जा होगी। तो कौन सी होगी, तो होगी 34 के ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 4 और 5। चलिए 35 नंबर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षक के लिए असत्य कथन है, कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, ये बात गलत बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान l=1 के लिए संभव m के मानों के समान है, यह इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब किसमें उपस्थित है, तो होगा 36 का ऑप्शन नंबर बी, इसमें उपस्थित है इस कक्षा में। चलिए 37 नंबर, 4 तत्व LPQR के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष्ठ में दिए हैं, अब कौन सा इसमें का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सत्य है यही आपको देखकर बताना है। तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पी वाला, ठीक है पी वाला एकदम करेक्ट भरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी P2L, अब LRPQ इस तरह से आप ये पूरा डिप बताने पड़ेगा, इसको सिर्फ रट जाइए आप, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, डिटेल करूँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। चलिए 38 नंबर, 2 समान अधातुक परमाणुओं के मध्य बने बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक अपना स्वतंत्र चक्रण रखता है, ये खुद स्वतः ही ना अपना चक्रण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर, इन बंधों में से कौन सा अधिक आयनीय है, तो आयनीय कौन सा है अधिक, तो वो हो जाएगा 39 का ए, CsCl। चलिए 40 नंबर, निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे कम आयनिक है, अब कौन सबसे कम आयनिक है, तो वो है ऑप्शन नंबर
AgCl, देखिए Ag जो है चांदी, रिएक्शन तो ज़्यादा नहीं करता है, फिर भी यह जूटा है, इसीलिए यह कमजोर है। चलिए 41 नंबर, चार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष्ट में दिया गया है, अब कौन सा आपका सहजात के द्वि परमाणुक अणु बनाएगा, कौन बनाएगा, तो बनाएगा ऑप्शन नंबर बी, M बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा सिलिकॉन और क्वार्टज में अधिकतम बंधीय बल है, तो कौन सा बल से बंधा है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजक बल से बंधा हुआ है। 43 नंबर, देखिए H2O2 में दो ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य होता है, तो क्या होता है, तो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक बंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सूत्र प्रयुक्त परमाणु बंधन को सही प्रदर्शित नहीं करता, तो कौन नहीं करता, तो वह है ऑप्शन नंबर ए, ये आपको सही प्रदर्शित नहीं करता, इस तरह से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 में कार्बन के संकरण का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है आपका, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, SP प्रकार है। चलिए 46 नंबर, निम्न में से किसके लिए अनुनादी संरचनाएं संभव है, तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, BF3 आपका अनुनादी संरचनाएं संभव है। चलिए 47 नंबर क्या है, IF5 की सही संरचना को दर्शाइए, तो कौन सा है, तो है ऑप्शन नंबर सी, देख सकते हैं इसको आप अगर पूरा पूर्ण रूप से सजाइएगा तो कैसे होगा, आई के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 6 को 6 के साथ सजा किया, 6 फ्लोरीन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी, इस तरह का संरचना पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इस संरचना को। चलिए 48 नंबर क्या है, CaCO2 में दो कार्बन परमाणुओं के बीच बंध को, बंध का प्रकार तथा उनकी संख्या, अब कौन सा है कैसा है ये आपको देखकर बताना है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा तथा 2π बंध है। चलिए 49 नंबर, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है, तो कौन सा अनुचुंबकीय है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों अनुचुंबकीय है, O2-NO दोनों अनुचुंबकीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें एच बंध प्रबल है, अब किसमें सबसे प्रबल रूप से बंधा हुआ है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी, FHF। चलिए 51 नंबर क्या है, फ्लोरीन बोरान अथवा फास्फोरस से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, BF3 का द्विध्रुव आघूर नहीं है जबकि BF का होता है, तो परिणाम स्वरूप क्या इसमें का होगा, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, BF3 अनुसमतलीय त्रिकोणीय होता है, इसीलिए इसके अंदर द्वि आघूर्ण होता है। चलिए 52 नंबर क्या है, तो आप देख सकते हैं CN और माइनस रखा है, मतलब एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, CO तथा NO प्लस है, मतलब एगो इलेक्ट्रॉन को यह त्याग गया है, तो एक समान गुण, अब इसमें से कौन सा गुण एक समान है तीनों में, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, बंधन कोटि 3 और सम इलेक्ट्रॉनिक, यह तीनों चीज तीनों में है, दोनों चीज तीनों में है। चलिए 53 नंबर क्या है, निम्न स्पीशीज में केंद्रीय परमाणु के संरचना का सही क्रम कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इस रूप में यह होता है, अब सीरीज पढ़ना होगा तो आपको पूरा डिटेल में भी कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दो क्वेश्चन बचा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, इसकी संरचना सम चतुर्फलकीय होता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसके अनुपात में लिखा है संरचना एन तथा बी परमाणुओं की संगत ज्यामितीय तथा संकरण कौन सा होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर ए, एन मतलब सम, जो एन होगा सम चतुष्फलकीय और SP सीरीज में होगा, बी सम चतुष्फलकीय और ए भी SP3 में ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका पैरामेडिकल के लिए और पॉलिटेक्निक वाले भी स्टूडेंट और BSc नर्सिंग तीनों के लिए आपको यह केमिस्ट्री का है। तो अच्छा लगा था, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए नए है तो, और पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आई बटन में है या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।